भारत पाकिस्तान के पत्रकारों को अब नफरत के खेल में शामिल नहीं होना चाहिए। दोनों देशों के रिश्ते सुधारने में मीडिया बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। हमने यह भूमिका निभानी शुरू भी कर दी है, यह कहना है कराची प्रेस क्लब के अध्यक्ष ताहिर हसीन खान का। मुंबई दौरे पर आए पाकिस्तानी पत्रकारों के दल का नेतृत्व कर रहे खान ने मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित परिचर्चा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए वीजा मिलने में बहुत परेशानी होती है, वीजा आसानी से मिलना चाहिए। हमारा आना जाना बढ़ेगा तो हम एक दूसरे के करीब आएंगे। उन्होंने कहा कि हम भी आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह बोलते हैं और आपकी तरह ही मोहब्बत करते हैं, इसके बावजूद हमारे बीच में काफी गलत फहमियां हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन के कार्यकारी निदेशक करामत अली ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने पर मीडिया ऐसी तस्वीर बनाती है जैसे दो दुश्मनों के बीच युद्ध होने वाला है। उन्होंने दोनों देशों के पत्रकारों से अपील की है कि वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से बचे। अली ने कहा कि दोनों देशों के बीच सफर आसान करना जरूरी है, इसके लिए वीजा मिलने की प्रक्रिया आसानी की जानी चाहिए। हमारे बीच एक दूसरे के बारे में काफी गलत फहमियां हैं जिसकी वजह से हमारे संबंध असामान्य बन गए हैं। जंग मीडिया ग्रुप के वरिष्ठ पत्रकार फाजिल जामिली ने कहा कि पाकिस्तान में भी नई पीढ़ी की सोच बदल रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में यदि भारत पाकिस्तान आमने सामने नहीं है तो पाकिस्तान के युवा हिंदुस्तान के ही समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का शिकार पाकिस्तान का हर शहर है, पर अब वहाँ की मीडिया में यह खबरें नहीं आती कि इस विस्फोट में इंडिया का हाथ है। न्यूज़ के अकबर अली ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के जहन में एक दूसरे को लेकर काफी सवालात हैं। हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का भी उपयोग कर सकते हैं। पाकिस्तान के कराची व हैदराबाद से आए ये 17 पाकिस्तानी पत्रकार 28 मई तक मुंबई व पुणे में रहेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सहित कई वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। भारत और पाकिस्तान के मीडिया ने जो सफर शुरू किया है दोस्ती का, ये इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। काश हमें पहले मौका मिलता, हम पहले शुरू करते तो आपके यहाँ 26/11 का वाकया शायद ना होता, या इससे और ज़्यादा दूसरे जो वाकयात हुए ना होते। मैं समझता हूँ कि ये हमने जो सफ़र शुरू किया है ये दूसरे सोसाइटी के सेक्शंस के लिए एक पैगाम है कि आप भी खुदारा मैदान में आइए, अपना रोल अदा कीजिए और आप भी कहिए कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आशा है कि ये हौसला अफजा होगा और हम मुस्तकबिल में एक अच्छे दोस्त बन सकेंगे, एक अच्छे साथी बन सकेंगे, एक अच्छा रिश्ता हमारा कायम हो सकेगा। तो मैं तो बड़ा पुरउम्मीद। देखिए, अभी हम आए हैं यहाँ मुंबई, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर से हम मिले हैं, BJP के लोगों से मिले हैं और जो बहुत सारे सोसाइटी के सेक्शंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इन सब से मिले हैं और हम उनको सबको यही पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आप भी मैदान में आइए, आप भी आके जो है जिस तरह हम जर्नलिस्ट एक दूसरे के मुल्कों में आ रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और जो निगेटिव परसेप्शन है उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी आइए। आप यहाँ से वकील वहाँ जाएँ, वहाँ से वकील यहाँ, यहाँ से एजुकेशनिस्ट वहाँ जाएँ, वहाँ से एजुकेशनिस्ट यहाँ आए, एक दूसरे के मुल्कों में हम स्टूडेंट्स को आने जाने दें, वीज़े की रिलैक्सेशन करें। तो जब ये माहौल बनेगा तो वो जो हुक्मरान और जो सियासतदान और जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती हैं कि नफरत की दीवार कायम रहे, फिर उन्हें भी सोचना पड़ेगा। देखिए, अभी पहले तो हम बात ये है कि हम पहले आपस में तो बैठ के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको तो हम ख़त्म करें और बहुत छोटी छोटी चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक बात बताऊँ कि हमारे कुलीग ने रात हम जब एक खाने पे थे तो उनकी साहबजादी ने फ़ोन किया और कहा कि ये जो मेहमान आए इन्होंने क्या खाया, वहाँ तो सारा वेज होगा। उन्होंने कहा खाया उन्होंने भी, बोले नहीं वो तो वेज था, खाना क्या खाया उन्होंने। तो ये इतना छोटी सी बात है लेकिन मिसकंसेप्शन है कि जैसे वहाँ के लोग यहाँ के खाने भी नहीं खाना चाहते या यहाँ के लोग वहाँ जाके, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सारी गलत फहमियाँ इसीलिए फैली कि हमारा आपस में मिलना जुलना बंद हो गया था, कम हो गया था।